हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल अनुलेखा किचन रेसिपी में। तो चलिए, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बढ़िया बढ़िया गरम गरम फेमस सरसों का साग की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस बनेगी। आपने साग की तो बहुत सारी रेसिपी देखी होगी, पर मैं आज आपको बताऊँगी बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही बढ़िया बढ़िया इन्ग्रीडियंट्स के साथ, जिससे आपका साग बनेगा बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी, जिससे आपको ढाबे की आएगी याद, पंजाब की दिलाएगा याद, ठंडी में करेगा बहुत ही मज़ेदार चाय के दार स्वाद का एहसास। तो फिर चलते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने सरसों का साग और ये इसे मैं बारीक धो के अब काट लूँगी। और यहाँ पर लिया मैंने अदरक और यहाँ लिया है मैंने हरी धनिया, जिसे धोकर बारीक काटा है। और यहाँ लिया है मैंने मेथी, ली है थोड़ी सी मेथी, आपको ज़्यादा नहीं डालनी है। और यहाँ लिया है एक हरी मिर्च और लिया है पालक, पालक आप डाल सकते हैं ज़्यादा। और ये लिया है मैंने 5 से 6 टमाटर। और अब मैं इसे काट लूँगी सरसों के साग को बिल्कुल बारीक, जिसे मैंने धो के रखा है, ये मेरा कट चुका है। अब इन सभी साग को और जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इन सभी को मैं ऐड कर दूँगी एक कुकर में। ये देखिए, इसमें दोस्तों आप है ना, इसमें आपको जो मेथी है वो ज़्यादा नहीं लेनी है, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी। मेथी की जगह आप बथुआ भी ले सकते हैं। हाँ, पालक आप बहुत अच्छे भी माने ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा पालक लिया है। और ये रही मेथी, ये भी चली जाएगी कुकर के अंदर। और ये बढ़िया सा मैं इसको लगा दूँगी सीटी। पहले मैं इसे सभी जो मैंने आपको बताए हैं सभी साग इन्ग्रीडियंट्स को कुकर में हम डाल लेंगे। ये रहा अदरक, ये अदरक गया, ये देखिए एक अदरक मैंने बचा दिया, ये मसाले में डालूंगी। और ये मैंने डाल दिया एक मिर्ची और ये टमाटर। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी हल्का सा नमक। नमक आप हल्का ही करिएगा, क्योंकि हम अभी मसालों में भी नमक डालेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालना है आपको, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी साग टमाटर सब में पानी है। और इसको हम चढ़ा देंगे गैस पे और लगा देंगे 2 से 3 सीटी। तो 2 से 3 सीटी लगाने के बाद ये मेरा साग देखिए कुछ इस तरह से हो गया है, बढ़िया सा गल गया है मैंने सभी चीज़। अब इससे मैं ले लूँगी मिक्सी में, पहले एक प्लेट में निकाल लेते हैं, थोड़े दम ठंडा कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम मिक्सी में नहीं डालेंगे मिक्सर में। और इसका कर लेंगे हम रेडी पेस्ट, मिक्सी में हम इसे अच्छे से पेस्ट रेडी कर लेंगे। और चलते हैं अपने हमारे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर लिया मैंने एक पैन, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है जो गर्म हो गया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच वाइट बटर ले रही हूँ, ये और जीरा। जो वाइट बटर है ना, मैंने मक्खन है घर पे निकाला हुआ है फ्रिज में, जिसे मैंने स्टोर करके रखा था। अब जीरा हो गया है तो हम डाल देंगे यहाँ पर लहसुन का पेस्ट, और जो थोड़ा सा अदरक रखा था उसको भी मैंने साथ में कूट लिया है, मांदस्ताने में कूटा है मैंने। और यहाँ पर डाल दूँगी मैं अब 2 बड़े कटे हुए प्याज। प्याज को बिल्कुल बारीक काटना है आपको, ताकि ये साग में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से चलाना है, भूजना है बहुत अच्छे से। और दोस्तों, मेरी जो दूसरी वीडियोज़ है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दिए, तो वहाँ जाके आप मेरी बहुत सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैंने ऐड की है मेरे अपने चैनल में। और यहाँ मैं ऐड कर दूँगी हींग। हींग मैं हर खाने में डालती हूँ, स्पेशली ठंडी में तो स्पेशली मैं डालूँगी, तो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। और अब मैं इसमें, ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से भूज गए हैं, तो अब ऐड कर दूँगी मैं इसमें टमाटर और 1 हरी मिर्च मैंने डाला है, उसका पेस्ट बना लिया है। 1 टमाटर 1 से 2 टमाटर और 1 हरी मिर्ची का मैंने पेस्ट बना लिया है। और टमाटर मैंने ऑलरेडी उसमें भी साग में भी डाला है। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी कुछ मसाले, जैसे हमारे हल्दी हो गए और ये लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैंने कम ही डाला है, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची का भी यूज़ किया है। और यहाँ लूँगी मैं धनिया पाउडर। तो ये बढ़िया सा अब हम इसे कर देंगे मिक्स। यहाँ पर मैं मसालों की क्वान्टिटी आपको इसलिए नहीं बताती हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि सभी का टेस्ट के अकॉर्डिंग सभी लोग अलग अलग खाते हैं। जिसे तीखा ज़्यादा पसंद है तीखा खाएगा और ज़्यादा लेगा वो, और जो तीखा कम खाते हैं वो कम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है आप कसूरी मेथी। मसालों की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा कि आपको कितना खाना है। और कसूरी मेथी का बढ़िया सा स्वाद आता है। और ये भुज गई कसूरी मेथी।
अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने सिर्फ कलर के लिए, जो ज़्यादा ही तीखी नहीं होती है पाव भाजी। और ये मैंने चना, छोले मसाले और ये होममेड गरम मसाला, तीनों मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़े लिए हैं क्योंकि तीनों ही गरम मसाले हैं। तो ये पाव भाजी, छोले मसाले जो बहुत ही अच्छा स्वाद देते हैं बिल्कुल ढाबे स्टाइल में। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है मक्के का, जो मक्की का आटा होता है ना, जैसे हम मक्के की रोटी बनाते हैं वो वाला आटा मैंने डाला है। कॉर्नफ्लावर मैंने, आप वो वाला मत डालिएगा वाइट वाला, यहाँ पर मैंने प्योर कॉर्नफ्लावर जो हमारे मक्की का आटा होता है जिससे हम मक्की की रोटी बनाते हैं वो यूज़ किया है मैंने। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे भूंज लेंगे, मैंने इसमें जो मक्की का आटे का कच्चापन हमें हटाना है। और यहाँ पर मैंने फ्रेश दूध की जो मलाई होती है वो यूज़ की है, आप अमूल वाली भी यूज़ कर सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बाकी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं, तो ये देखिए मलाई हो गई है बढ़िया से तैयार, मीन्स मसाला, सॉरी मसाला हो गया है बढ़िया सा तैयार। और ये देखिए अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी वाइट बटर, आप अमूल बटर भी ले सकते हैं। बटर और साग का, मक्खन और साग का तो बहुत ही गहरा रिश्ता है, तो मक्खन को तो बिल्कुल मिस मत करिएगा, है ना, बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। और आपको पता है साग बनने के बाद भी लोग बाग मक्खन को, बहुत सारा मक्खन साग के ऊपर डाल के खाते हैं। और यार ये है मेरा रेडी किया हुआ साग जो पीस के रेडी हो गया है, अब मैं इसे डाल दूँगी हमारे मसालों में। और ये हो गया बढ़िया सा, हम कर देंगे इसे मिक्स। ये देखिए मिक्स करने के बाद, अच्छे से मिक्स करना है कि आपको पूरे मसाले और साग बिल्कुल इक्वली मिक्स हो जाएं। क्या बढ़िया सा कलर आ गया, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप इसे बिल्कुल मेरे तरीके से बनाएंगे ना, बहुत बढ़िया सा बनेगा। अब ये देखिए लगभग तो साग हमारा यहाँ हो चुका है। और ये देखिए अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक, नमक आप लास्ट में ऐड करिएगा, मैंने किसके बाद, हमारे पेस्ट के बाद, क्योंकि हमने हमारे जो साग है उसमें ऑलरेडी हमने थोड़ा नमक ऐड किया, तो नमक को टेस्ट करके बाद फिर जितना कम है आप नमक ऐड कर दीजिएगा। अब मैं इसमें फिर से ऐड कर दूँगी वाइट मक्खन, आप अमूल वाले भी ले सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये देखिए बढ़िया सा हो गया है ये मिक्स, ये देखिए आपको इसको चलाना है, पूरा मिक्स करना है जब तक कि ये पूरे अच्छे से इक्वली मिक्स ना हो जाए। अब ऐड कर दूंगी मैं इसमें मक्खन वाइट वाला जो मैंने घर पे बनाया है। और ये हो गया है लगभग हमारा साग रेडी, ये मेल्ट हो जाए, हल्का सा इसमें बबल्स आ जाए, मीन्स ये साग पक जाए। ये देखिए ये आ गया, अब हल्के से उबाल आ गया इसमें, मीन्स ये पक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन पर। ये देखिए वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर साग बना है, मक्के की रोटी और चावल के साथ, जीरा राइस, और आप किसी भी रोटी के साथ, सिंपल रोटी के साथ भी आप इसे